तो गाइज आज अचानक से 3 केक का ऑर्डर आ गया है, तो हम आपको दिखाएंगे कि हम केक कैसे बनाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जाके मेरा नया वीडियो आप देख पाइएगा। तो हे गाइज वेलकम टू माय चैनल, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आज 3 केक बनाना है। तो आप सोच रहे होंगे वेस्ट 4 है, लेकिन 3 केक कैसे? तो आप चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे हम बनाते हैं केक। और अगर आपको मेरे केक की फुल रेसिपी देखनी है कि हम केक कैसे बनाते हैं, तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारा हम केक बनाने का तरीका बताए हुए हैं। तो आप फटाफट जाइए और जाकर देखिए। यहाँ फटाफट हम बना रहे हैं पहले ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो यहाँ केक को हम काट लिए हैं, फिर यहाँ पे डालें क्रीम, फिर ऊपर से चॉकलेट क्रश, फिर ऊपर से शुगर सिरप डाल के, फिर 3 लेयर में ये केक हम बना रहे हैं। तो क्योंकि कस्टमर को चॉकलेट वाला एक चॉकलेट केक पसंद था, एक वनीला केक पसंद था, और जो तीसरा केक है वो बहुत स्पेशल केक है, वो एक लड़की की इंगेजमेंट का केक था। तो भाई हमको उस केक को बनाने में बहुत हम एक्साइटेड हो रहे थे, तो हम सोच रहे थे फटाफट जल्दी जल्दी ये वाला दोनों केक जल्दी से बना दें, उसके बाद हम वो वाला केक इत्मीनान से बनाएंगे। तो यहाँ फटाफट जैसा कि देख रहे हैं कि हम केक को बना रहे हैं, और सच पूछे गाइस तो केक बनाने में हमको बहुत मज़ा आता है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे जब केक बनाने में मज़ा आता है तो केक खाने में भी मज़ा आता होगा, लेकिन नहीं गाइस, केक खाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, बस हमको केक बनाना पसंद है। केक बनाना अगर हमको कोई रात को भी बोल देना कि 2 बजे रात को उठ के केक बनाओ, तो हम 2 बजे रात को भी उठ के केक बनाएंगे। और केक मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, तो बच्चे तो वैसे पास में है नहीं, बाहर रहते हैं, तो अगर वो लोग आते हैं ना तो मत ही पूछिए, मतलब 1 सप्ताह में 5-6 केक बन जाता है, और वो लोग फटाक से चट कर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मेरे हाथ का जो केक है ना बहुत पसंद आता है। चलिए यहाँ बातों बातों में गाइस हमारा एक केक का आइसिंग हो गया है, अब इसको हम पहले अच्छे से करेंगे डेकोरेशन। तो गाइस फुल वीडियो तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना हमसे बन पा रहा है उतना क्लिप हम आपको दिखा दे रहे हैं। और हाँ गाइस, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये भी बताइएगा, और प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा वाला केक ज़्यादा अच्छा लगा, ब्लैक फॉरेस्ट अच्छा लगा या फिर वनीला वाला अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कौन कौन सा केक हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है हमारा वो तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत गार्निशिंग इसका बाकी है। यहाँ हम इन स्प्रिंकल डाल रहे हैं, उसके बाद ऊपर से हम डेकोरेशन करेंगे चॉकलेट से। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं केक हमारा आधा रेडी हो चुका है, और जो पूरा फिनिशिंग टच है वो बाद में होगा। तो यहाँ पे फटाफट अब हम कर लेते हैं दूसरे केक की तैयारी। तो गाइस दूसरा केक हमारा बन चुका, और तीसरा केक है ये हमारा जो कि खास केक है, तो ये इंगेजमेंट वाला केक है। तो यहाँ आप बने रहिए और देखते रहिए कि हम कैसे, क्योंकि जो कस्टमर थे ना उनको फ्लावर केक बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जैसा कि देख रहे वीडियो में, ये है हमारा तीनों केक, और फाइनल हम आपको दिखाते हैं जो इंगेजमेंट वाला केक है वो, तो उसको हम फिनिशिंग करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा जो इंगेजमेंट वाला केक है वो रेडी है, और प्लीज़ आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा मेरा केक। तब तक के लिए बाय बाय।